नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इस वक्त झारखंड के धनबाद जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक वाहन रिकवरी एजेंट के घर एटीएस और एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार धनबाद जिले के भूली ओपी अंतर्गत श्रीराम विहार कॉलोनी और बैंक मोड़ थाना क्षेत्र मटकुरिया में वाहन रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह के घर बुधवार को एटीएस तथा एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची। करीब 6 घंटे से अधिक देर की इस छापेमारी अभियान में एटीएस और एनआईए को हथियार लेन देन के मामले से जुड़ी कई अहम जानकारी मिली है। छापेमारी के दौरान श्रीराम विहार कॉलोनी, जहां उपेंद्र सिंह का घर है, वहां भी किसी के आने जाने पर रोक लगा दी गई। बताया जा रहा है कि रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह का नाम अवैध हथियार के लेन देन मामले में सामने आया है और इसी मामले की तहकीकात करने आज एटीएस और एनआईए की टीम उपेंद्र के घर पहुंची। बता दें कि छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस टीम भी एटीएस और एनआईए टीम के साथ। बताया जाता है कि भूली के रहने वाले पंकज सिंह की निशानदेही पर उपेंद्र सिंह पर छापेमारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार नवम्बर महीने में एटीएस ने नक्सलियों और आपराधिक गिरोहों को हथियार सप्लाई करने के मामले में 3 लोगों को पकड़ा था। इनमें पुलवामा में तैनात सीआरपीएफ जवान अविनाश कुमार उर्फ चुन्नू, जो बिहार के गया का रहने वाला है, इसके साथ ही पटना रहने वाला ऋषि कुमार और मुजफ्फरपुर के पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 450 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे। साथ ही इन लोगों ने AK-47 जैसे हथियारों की सप्लाई करने की बात भी स्वीकार की थी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।